हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज इस रूम में जो हमारी सेक्शन ऑन फिगर टिप सीरीज है, जहाँ पे मैं आपको कंपनी लॉ के जो भी सारे चैप्टर्स उसके सेक्शन याद करवाता हूँ। तो दोस्तों हम अभी आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। दोस्तों ये जो चैप्टर है वो सेक्शन 43 से लेकर सेक्शन 72 तक रेज करता है। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे, जहाँ पे हमने सबसे पहले चैप्टर 1 दैट इज प्रिलिमिनरी वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, चैप्टर नंबर 3 अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी पैसा रेज करेगी, तो अपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा था। अब प्रोस्पेक्टस से कंपनी क्या रेज करेगी, पैसा कैसे रेज करेगी शेयर एंड डिबेंचर से। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 4 में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स ये पढ़ने वाले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये पूरा एक मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है जो सेक्शन नंबर 43 से लेके सेक्शन नंबर 72 तक रेंज करेगा। तो दोस्तों ये फ्लो चार्ट से वही मैं आपको सारे सेक्शन याद करवा दूंगा। एंड दोस्तों एक काम कीजिएगा, आप ये वीडियो पॉज करके ये जो भी मैंने चार्ट बनाया वो अपनी बुक में ड्रॉ कर दीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा ईजी होगा रिवाइज करते वक्त। और दोस्तों अगर आप चाहो तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रहेगा, वहां पर मैं ये पिक्चर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी उसे एक्सेस कर सकते। तो दोस्तों चलिए बातें शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा ये शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स है, इसको मैंने बहुत सारे मेन सब हेडिंग से डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो सब हेडिंग है वो है अपना शेयर कैपिटल, उसके बाद आएगा शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट हो गया आपके पास तो आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाएगी। तो वोटिंग राइट्स होने के बाद कंपनी को पैसे बुलाने हैं अपने शेयर से, उसको कॉल करना है शेयर का, तो वो कैसे करेगा। ये होने का कंपनी शेयर कैसे इशू कर सकती है, क्या प्रीमियम पे इशू कर सकती है, क्या डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल, तो दोस्तों शेयर कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड होगा, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल एंड द नेचर ऑफ कैपिटल। तो दोस्तों सेक्शन 43 विल बी द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल एंड सेक्शन नंबर 44 विल बी द नेचर ऑफ शेयर कैपिटल। उसके बाद अगर हम शेयर सर्टिफिकेट के बारे में बात करें, तो दोस्तों अगर आपके पास शेयर है तो आपको उसका शेयर सर्टिफिकेट होगा जो एक प्रूफ होगा। तो दोस्तों वो जो शेयर सर्टिफिकेट होगा उसको कंपनी को नंबरिंग करना पड़ता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो दोस्तों वो नंबरिंग कैसे होगा, और दोस्तों जो 46 है वो शेयर सर्टिफिकेट है जो बताता है कि आपका शेयर सर्टिफिकेट में कौन कौन से कंटेंट्स होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो आपके पास वोटिंग राइट्स, अगर आपके पास वोटिंग राइट्स है तो आपके पास वेरिएशन इन वोटिंग राइट्स भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी चाहे तो कोई ऐसे शेयर भी इशू कर सकती है जिसका वोटिंग राइट्स दूसरे शेयर के कंपैरिजन में थोड़ा अलग हो, तो उसे बोलेंगे वेरिएशन इन वोटिंग राइट्स। उसके बाद कंपनी को दोस्तों अगर पैसा मंगवाना है अपने शेयर कैपिटल अपने शेयर से तो वो कैसे बुलाएगी। तो दोस्तों अगर समझो कि कंपनी के 3 क्लासेस ऑफ शेयर्स है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो और तीनों जो क्लासेस के शेयर्स है उनसे उनको पैसा बुलवाना है, तो दोस्तों जो तीनों क्लासेस ऑफ शेयर्स है उनको यूनिफॉर्म बेसिस से बुलाना पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं, कॉल्स ऑन शेयर्स टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, मतलब इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा सारे क्लासेस ऑफ शेयर्स को। उसके बाद अगर हम बात करें कि कंपनी है कुछ कैपिटल है, समझो कि पेड अप कैप दो टोटल वैल्यू है शेयर की ₹10 एंड पेड अप कैपिटल इज ₹8, तो एक बंदे ने क्या किया सारे के ₹10 दे दिए कंपनी। तो उसे वो जो ₹2 एक्स्ट्रा दिए जो कंपनी ने अब तक कॉल नहीं किए, फिर भी अगर कोई शेयर होल्डर चाहे तो उसे दे सकता है। तो सेक्शन नंबर 50 क्या बोलता है, कंपनी टू एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल, मतलब कंपनी ऐसे कैपिटल भी एक्सेप्ट कर सकती है जो उन्होंने कॉल भी नहीं किया। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है शेयर से, जो कंपल्सरी नहीं होता, प्रेफरेंस वालों के लिए कंपलसरी हो सकता है बट इक्विटी शेयर वालों के लिए डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता। तो दोस्तों अगर ये जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर कोई कंपनी को करना है तो वो कैसे करेगी डिविडेंड, तो सारे डिविडेंड जो कंपनी पे करेगी वो इक्वल बेसिस से पे करना पड़ेगा अपने सारे क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर, तो दोस्तों जो इश्यू ऑफ शेयर होंगे वो हम या तो प्रीमियम पे कर सकते हैं या तो हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं पर डिस्काउंट पे कर सकते हैं। बट दोस्तों कंपनी एक्ट ने प्रोहिबिशन लगा दिया है कि आप कोई भी शेयर इश्यू कर रहे हो तो आप डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक बार सेक्शंस देख लेते हैं इनके। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को तो दो में डिवाइड करें, तो काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, नेचर ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 43, नेचर ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 44। फिर शेयर सर्टिफिकेट में बात करें तो नंबरिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट सेक्शन नंबर 45 एंड शेयर सर्टिफिकेट 46। 47 विल बी द वोटिंग राइट्स, 48 विल बी द वोट वेरिएशन वोटिंग राइट्स, 49 विल बी कंपनी टू एक्सेप्ट कंपनी टू कॉल ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, सेक्शन नंबर 50 कंपनी टू एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल इवन दो नॉट कॉल्ड अप, सेक्शन नंबर 51 विल बी द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन नंबर 52 विल बी प्रीमियम पे इशू करना है शेयर, सेक्शन नंबर 53 विल बी प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये सब होने के बाद कंपनी अपने जो शेयर्स है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स भी नहीं होते,
स्वेट इक्विटी शेयर्स भी होते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी कंपनी इशू कर सकती है। तो दोस्तों अगर कंपनी को अपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने तो अपने स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन नंबर 54 में इशू करेगी। बट दोस्तों अगर कंपनी को अपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे, क्योंकि हम दोस्तों जानते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों अलग अलग होते, तो दोस्तों ये प्रेफरेंस शेयर अगर कंपनी को इशू करने रिडीम करने तो सेक्शन नंबर 55 में उसके सारे प्रोसीजर्स बताए गए। उसके बाद अगर हम बात करें ये सब होने के बाद अगर आपको अपने शेयर ट्रांसफर करने या किसी और को देने, तो दोस्तों ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के प्रोविजन सेक्शन नंबर 56 में स्टेट किए, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के प्रोविजन सेक्शन नंबर 56 में स्टेट किए। उसके बाद अगर आपने कोई गड़बड़ की सेक्शन नंबर 56 में, तो आपको तीन सेक्शन में पेनल्टीज लगाई जाएगी। तीन सेक्शन कौन कौन से, सेक्शन नंबर 57, सेक्शन नंबर 58 एंड सेक्शन नंबर 59। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 57 क्या बोलता है कि आपको पनिश किया जाएगा अगर आपने कोई शेयर होल्डर के बिहाफ पे एक्ट किया जबकि आप नहीं कर सकते उसको। तो सेक्शन नंबर 57 भी पनिशमेंट फॉर पर्सनेशन ऑफ शेयर होल्डर। सेक्शन नंबर 58 विल बी रेफ्यूजल फॉर रजिस्टर, मतलब आप कंपनी आपको रजिस्टर नहीं करना चाहती, आपके नाम के आगे आपका आपके शेयर के आगे आपका नाम लगा नहीं जा सकती, लगा नहीं रही है, तो ऐसे सिचुएशन से आप अपील कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने अपील किया और आपके अगर आपका अपील राइट निकलेगा तो आपका जो रेक्टिफिकेशन होगा वो रजिस्टर्स में किया जाएगा, मतलब आपका जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ये सब होने के बाद आप अपना जो शेयर है, जो आपका पूरा शेयर कैपिटल, उसे आप पब्लिकली बता सकते हो, पब्लिकेशन कर सकते हो कि ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है इस तरह से। उसके बाद ये सब होने के बाद अगर आपको अपना कंपनी का शेयर कैपिटल ऑल्टर करना है, अपने को अपना कंपनी का शेयर कैपिटल ऑल्टर करना है, ऑल्टरेशन टू शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब क्या, इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो आप अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करोगे या दूसरा अपना शेयर कैपिटल डिक्रीज करोगे। अगर आपने शेयर कैपिटल इंक्रीज किया और अगर आपने शेयर कैपिटल डिक्रीज किया, तो दोस्तों ये इंक्रीज और डिक्रीज करना सिर्फ एक लिमिटेड कंपनी कर सकती है, अनलिमिटेड कंपनी के लिए अलग से प्रोविजन बनाया गया है। तो सेक्शन नंबर 61 क्या बोलता है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल बाय लिमिटेड कंपनी, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल बाय लिमिटेड कंपनी। उसके बाद अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कैसे करोगे, शेयर कैपिटल फर्दर इश्यू से इंक्रीज करोगे। तो सेक्शन नंबर 262 बताता है फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। बट दोस्तों अगर आपको फर्दर इश्यू करना है तो आप शेयर कैपिटल बढ़ा के दे सकते हो। तो सेक्शन नंबर 63 बताता है अगर आपको शेयर कैपिटल बढ़ाना है तो आप बोनस इश्यू ला सकते हो। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 63 में बताया बोनस इश्यू कैसे लाने, अगर आपने बोनस इश्यू लाया है तो आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि आपने बोनस इश्यू किया है। तो सेक्शन नंबर 64 बोलता है नोटिस टू रजिस्ट्रार टू बी सेंट फॉर इश्यू ऑफ फर्दर कैपिटल। ये हो गया अपना लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कशन। उसके बाद अगर अनलिमिटेड कंपनी की बात बारे में बात करें तो सेक्शन नंबर 65 बोलता है अनलिमिटेड कंपनी को रिजर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ऑल्टरेशन। तो सेक्शन नंबर 65 ये बताता है कि अनलिमिटेड कंपनी को रिजर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने इंक्रीज का बात कर लिया तो डिक्रीज का भी कर लेते, तो दोस्तों सेक्शन नंबर 66 बोलता है कि आपको रिडक्शन करना है शेयर कैपिटल में, तो 66 बोलेगा रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। बट दोस्तों रिडक्शन इज नेवर अलाउड, रिडक्शन सिर्फ बहुत कम सर्कमस्टेंसेस में अलाउ करेगी कंपनी से। तो सेक्शन 67 बोलता है रिडक्शन इज नॉट अलाउड। उसके बाद सेक्शन 68, 69 और 70, दोस्तों अगर आपको रिडक्शन करना है तो सबसे पहला जो अपने थॉट में आएगा, अगर मुझे शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है तो अपने खुद के शेयर परचेज कर लेता हूँ बायबैक। तो दोस्तों एज पर कंपनीज एक्ट देर आर सर्टेन केसेस यहाँ पे आपको बायबैक प्रोविजन का अप्लाई करने को नहीं मिलेगा, बायबैक प्रोविजन आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा, वो है सेक्शन 68 दैट इज प्रोहिबिशन ऑन बायबैक। बट दोस्तों अगर आपने कोई सर्टेन कंडीशन फिल की प्रोविजन से, बायबैक की कंडीशन फिल की, तो सेक्शन 70 में आप उसे बायबैक कर सकते हो। तो दोस्तों सेक्शन 68 में प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक है, सेक्शन 70 में बायबैक के प्रोविजन है। तो दोस्तों आप पूछोगे सेक्शन 69 किधर गया, तो दोस्तों सेक्शन 69 इज CRR। दोस्तों अभी आपको याद कैसे रखना है सेक्शन 69, तो हम सब जानते हैं कि सेक्शन 69 अगर आपको सिर्फ ऐसे याद रखना 69 CRR ऐसे आप करके उसे याद कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 69। उसके बाद और ये होगा सेक्शन नंबर 70, 69 इज CRR, 70 इज बायबैक प्रोविजन। उसके बाद अगर हम बात करें तो 71 क्या है, अभी हमने पूरा ये शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद डिबेंचर्स की भी तो बारी आती है, तो डिबेंचर्स के लिए सिर्फ एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 71। अब आप दोस्तों पूछोगे कि सेक्शन नंबर 72 क्या है, तो सेक्शन नंबर 72 इज नथिंग बट पावर टू नॉमिनेट। मतलब क्या, अगर मेरे बिहाफ मेरे नाम पे शेयर्स है, इन केस अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मैंने किसी को नॉमिनेट करके रखा देगा तो वो शेयर्स उसको मिल जाएंगे डायरेक्टली, तो उसे बोलते हैं पावर टू नॉमिनेट, जो अंडर सेक्शन 72 बताया गया। तो दोस्तों इस तरह से ही आपका शेयर कैपिटल डिबेंचर्स के सारे सेक्शन से एक बार मैं आपको वापस पूरा ये चैप्टर रिवाइज करा देता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें
चैप्टर नंबर 4 शेयर कैश बिल एंड डिबेंचर जो सेक्शन नंबर 43 से लेकर सेक्शन नंबर 72 तक रेंज करता है उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो दोस्तों सबसे पहला जो ब्रॉड हेड होगा वो होगा अपना शेयर कैपिटल, शेयर सर्टिफिकेट, वोटिंग राइट्स, कॉल्स ऑन शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो दोस्तों शेयर कैपिटल में काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, नेचर ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल में 43 आएगा, नेचर ऑफ शेयर कैपिटल 44 आएगा। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट भी सेक्शन नंबर 45, नंबरिंग ऑफ शेयर्स विल बी सेक्शन नंबर 45 एंड शेयर सर्टिफिकेट भी सेक्शन नंबर 46। सेक्शन नंबर 47 में जाता है हमें वोटिंग राइट्स मिलेगी, सेक्शन नंबर 48 ये मिल जाता है ये बोलता है कि हमें वेरिएशन वोटिंग राइट्स मिलेगी, सेक्शन नंबर 49 ये बोलता है कि कॉल्स ऑन शेयर्स विल बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, सेक्शन नंबर 50 बोलता है कंपनी टू एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल इवन दो नॉट कॉल्ड अप। उसके बाद सेक्शन नंबर 51 विल बी पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपको कैसे करना है। सेक्शन 52 में ये बताते हैं कि आप प्रीमियम पे भी शेयर इश्यू कर सकते हो। सेक्शन 53 हमें प्रोहिबिट करता है डिस्काउंट पे इश्यू करने को शेयर। सेक्शन नंबर 54 ये बोलता है कि अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है तो आप कैसे इशू करोगे। सेक्शन नंबर 55 में ये बोलता है कि अगर आपको कोई प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है या इशू करना है तो आप कैसे बोलोगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये सब होने के अगर हमें ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन करना पड़ा शेयर्स का तो हमें सेक्शन नंबर 56 में बोला गया। बट अगर दोस्तों आपने इसमें कोई गड़बड़ की तो आपको तीन सेक्शन में पेनल्टी लगेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 57 विल बी पनिशमेंट फॉर परसोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। सेक्शन नंबर 58 विल बी अगर आपने कोई गलती, अगर आपका कंपनी आपके शेयर को रजिस्टर नहीं कर रही है तो आप अपील कर सकते हो। अपील करने का अगर फेवर आप, अगर आपका अगर उनका डिसीजन आपके फेवर में आया तो आपका नाम रेक्टिफाई कर दिया जाएगा रजिस्टर्स अंडर सेक्शन 59। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 60 दैट इज पब्लिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन नंबर 61 विल बी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल बाय लिमिटेड कंपनी, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल बाय लिमिटेड कंपनी अंडर सेक्शन 61। तो दोस्तों ऑल्टरेशन करेंगे तो क्या इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे। इंक्रीज करेंगे तो सेक्शन नंबर 62 बताता है फर्दर इशू ला सकते हो। फर्दर इशू किस में ला सकते हो सेक्शन 62 में। पर फर्दर इशू लाएंगे तो हम कैसे लाएंगे बोनस शेयर के थ्रू। तो सेक्शन नंबर 63 बताता है बोनस शेयर्स के थ्रू। बट अगर आपने बोनस शेयर इशू करा है तो आपको रजिस्ट्रार को एक नोटिस देना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को एक नोटिस देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 64। ये सेक्शन होने के बाद अगर आपके पास अनलिमिटेड कंपनी है तो आपको अपना शेयर कैपिटल ऑल्टर करना है तो आपको एक रिजर्व प्रोवाइड करके रखना पड़ेगा अंडर सेक्शन 65। उसके बाद अगर हम बात करें हमें अपना डिक्रीज करना है शेयर कैपिटल दैट इज रिडक्शन इन शेयर कैपिटल तो ये हो जाएगा सेक्शन नंबर 66। बट दोस्तों रिडक्शन इन शेयर कैपिटल इज नॉट अलाउड तो एज पर सेक्शन 67 रिडक्शन इन शेयर कैपिटल इज नॉट अलाउड। फिर एज पर सेक्शन 68 देर आर सर्टेन केसेस जहां पे आप बायबैक नहीं कर सकते। बायबैक नहीं कर सकते सेक्शन 68 में, बायबैक कर सकते हो सेक्शन 70 में। और सेक्शन 69 क्या है CRR, तो बायबैक नहीं कर सकते सेक्शन 68 में, बायबैक कर सकते सेक्शन 70 में। और दोस्तों ये जो CRR के प्रोविजन है वो किसमें सेक्शन 69। ये हो गया अपना सेक्शन 70 तक। उसके बाद सेक्शन 71 डिबेंचर्स है, सेक्शन 72 पावर टू नॉमिनेट है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर शेयर कैपिटल डिबेंचर्स के सेक्शंस एक बार याद करके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।